दोस्तों, मेट्रो मुंबई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेट्रो मुंबई ने देश के बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए एक सकारात्मक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत हम देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए कुछ ना कुछ समाज के प्रति किया है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम है राहुल केंदेकर, जो लातूर जिला परिषद के अध्यक्ष है। इन महाशय ने जो बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं उनकी सैलरी का 33% हिस्सा काटने का फैसला लिया है, और इस फैसले के तहत उन्होंने अब तक 12 लोगों को सजा दी है। ये भारत के इतिहास का पहला कोई सकारात्मक कदम है जो बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए लिया गया हो। हमारे साथ राहुल केंद्रे जी लाइव जुड़े है। राहुल केंद्रे जी, आपका मेट्रो मुंबई में स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो राहुल केंद्रे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है राहुल केंद्रे जी? हेलो, हाँ राहुल केंद्रे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस 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 यस, बताइए बताइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह का फैसला लेने के लिए। ये देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी ने बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए ऐसा फैसला लिया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है सर जी। आप जरा विस्तार में हमारे दर्शकों को आपके इस डिसीजन के बारे में बताइए। इसीलिए आज हमने आपको लाइव जोड़ा है कि आपकी बात पूरे देश तक जाए सर जी। आपका ये फैसला, जो आपकी सोच है, ये पूरे देश तक पहुंचे। इसी साल 10 नवंबर को जिला पंचायत जिला परिषद ने हमारे एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक ऐसा निर्णय यहाँ पे हमने हमारे सभागृह में जनरल बॉडी की मीटिंग ने हमने लिया था। तो निर्णय यही था कि हमारी जो आस्थापना है, जो हमारे जिला परिषद अंतर्गत 14 डिपार्टमेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उस 14 डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, लगभग तकरीबन 15,000 कर्मचारी हमारे यहाँ लातूर जिला पंचायत में काम करते हैं, उसी में से जो कर्मचारी अपने वृद्ध जो माता पिता है जो उनका संभाल नहीं कर पाते, उनके वृद्ध काल में उनको आश्रम में वृद्धाश्रम में भेजने का काम करते हैं, उनको संभाल नहीं पाते, ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे कर्मचारियों के लिए उनकी 30% कपात उनके सैलरी में से मंथली करने का निर्णय हमने लिया था। और अभी तक हमें ऐसा 12 केसेस ऐसे पाए गए जिसमें 12 कंप्लेंट मेरे पास मेरे इसमें आए थे, और 12 कंप्लेंट में से 7 केसेस हमने यहाँ पे हियरिंग लेके उनके केसेस यहाँ उनको निर्णय दिया है, और 7 लोगों की यहाँ पे अब लगभग कपात चालू है, उनके माता पिता को वो डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे हैं उनकी। सर जी, आपके यह फैसले की चर्चा आज पूरे महाराष्ट्र में, हम सोच रहे हैं कि ये आपका जो लिया गया फैसला है इसके बारे में पूरा देश जाने। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका इस फैसले का विरोध नहीं किया गया, जिन 12 लोगों की आपने सैलरी डिडक्ट की उन्होंने आपके इस फैसले का विरोध नहीं किया सरकारी तौर पर, ऐसा आपको डिसीजन लेने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हमारे जरा दर्शकों को विस्तार में बताइए। जरा तकनीकी समस्या आ रही है, हम फिर से राहुल जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम को हम बोलते हैं, टेक्निकल टीम से अनुरोध करते हैं कि राहुल जी को फिर से जोड़ा जाए। जी राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? भाई यहाँ जरा रूरल एरिया में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। हमारे कार्यकर्ता के घर के ऊपर आके मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, तो मेरे जब सभागृह में विषय आया तो किसी भी पार्टी ने यहाँ पे विरोध नहीं किया, और जो केसेस पाए गए थे वो केसेस में से भी हमने हियरिंग लेके अच्छी तरह से उनको न्याय देने का काम किया है। कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उतना उनका विरोध हमारे सभागृह हमारी यहाँ जिला पंचायत के सामने वो टिक नहीं पाया। और मुझे लगता है कि जिस माँ बाप ने अपने को दुनिया दिखाई, जिस माँ बाप ने हमें ये पूरा वैभव प्राप्त करके दिया, अगर मुझे लगता है वही माँ बाप पे इतना ये परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है वृद्धाश्रम में जाने की, तो मुझे लगता है ये अपने जीवन में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी सर, तो इसीलिए ऐसा ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय यहाँ जिला परिषद में लिया है। राहुल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ,
जो आज बुजुर्ग पीड़ित हो रहे, इसका कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर भी जिम्मेदार है सर जी। जैसे पश्चिमी जो रीतियां है वो हमारा समाज ज्यादा अपना रहे, हमारे युवा वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति को थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा क्यों कहूँ, बहुत ज्यादा भूल गए सर जी। जरूर अपनी बात से मैं सहमत हूँ, और हम अपने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, अन्नाबू साठे हो, महात्मा बसवेश्वर हो, इस देश में बहुत सारी बड़ी हस्तियां अपने देश में हुई है, लेकिन उनकी सोच उनका विचार हम आत्मसात नहीं कर पा रहे। बाहर के जो बाहर के देश है उनका कल्चर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हमारे ये बहुत बड़े शख्सियत होके गए, लेकिन उनका विचार हम नहीं सुन पा रहे, उनका विचार कृति में हम नहीं ले पा रहे, इसीलिए ऐसे घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है बाहर के देश का कुछ लेने जैसा ऐसा नहीं है, लेकिन अपने देश में इतना अच्छा संस्कृति है, संस्कार है, इतनी बड़ी बड़ी अपने देश में बड़े से बड़े यहाँ हुतात्मा होके गए हैं। मुझे लगता है इनकी भी प्रेरणा हम सब भी ने ली, तो निश्चित स्वरूप से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र भारत अच्छा देश बन सकता है। मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा अपन लेकर काम करने लगे तो जरूर आने वाले पीढ़ी में अपने देश का सपना है जो हमारे मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, उसी मोदी जी का विचार आत्मसात करके हम, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, उनके पार्टी का हूँ, इसीलिए अच्छा उनके प्रेरणादायी विचारों से हम यहाँ लातूर जिला परिषद में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी सोच से ही हम इतना बड़ा निर्णय ले पाए। सर राहुल जी, आपसे मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह कानून आपने लातूर लेवल तक तो लागू कर दिया, अब राज्य में और देश में अगर यह कानून लागू करना हो तो क्या इसके लिए रास्ता है, और आप कैसी मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकारों से कि इस तरह के कानून को लागू किया जाए, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ना कि प्राइवेट सेक्टरों में भी? नहीं, सभी में एक कानून लगना चाहिए। मुझे लगता है खाली गवर्नमेंट में लग के इसका उतना फायदा नहीं होने वाला है, खाजगी सेक्टरों में भी खाजगी संस्थाओं में भी इसका कानून बनना चाहिए। मैं स्टेट के और गवर्नमेंट के भी सभी जो यहाँ माननीय विधायक गण है, हमारे स्टेट के माननीय सांसद गण है, उनसे ही अपील करने वाले हैं, और उनको ही ये रिक्वेस्ट हम हमारे जिला पंचायत से भेजने वाले हैं कि अपने अपने सदन में, अपने अपने पार्लियामेंट में, विधान असेंबली में ये कानून लाए, और जरूर ये कानून प्रभावी कानून अगर बनाएंगे तो जरूर आने वाले दिनों में निश्चित स्वरूप से हमारे माता पिता को, हमारे बुजुर्ग सभी सिटीजन सीनियर सिटीजन को इनका दिलासा मिलने वाला है, बहुत बड़ी राहत उनको मिलने वाली है। राहुल जी, एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे। आपने कहा सरकारों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले सरकारों का बुजुर्गों के प्रति असंवेदनशील रवैया देखने मिला था सर जी। एक इंदौर का वाक्या मैं आपको बताना चाहूंगा। इंदौर पिछले कुछ सालों से स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में नंबर वन आ रहा है, जिसके कारण एक बुजुर्ग वृद्धाश्रम में सर जी, महानगर पालिका के लोगों ने वृद्धों को शहर के बाहर फेंका कि ये गंदगी फैलाते हैं, इस वजह से इनको शहर में नहीं रखा जा सकता, और अगर ऐसा करते हम इन बुजुर्गों को शहर में रखते हैं तो ये लिस्ट में इंदौर शहर वापस नंबर वन नहीं आएगा। इस तरह का असंवेदनशील रवैया सरकार के द्वारा दिखा था मध्य प्रदेश में, इंदौर का कुछ दिन के पहले का वाक्य है सर जी। नहीं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यकर्ता हूँ, राजनीति के लेवल पे नहीं मालूम नहीं है राहुल जी, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाक्य मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ होगा तो बिल्कुल वो निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सभी सरकार, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हर सरकार की दायित्व है, विकास तो होती रहता है, विकास के साथ में सामाजिक न्याय की भूमिका भी सरकारों के पास संवेदना रहनी चाहिए, संवेदनशील सरकार रहनी चाहिए। मुझे लगता है विकास के साथ सामाजिक न्याय भी होना, इसी उम्मीद मैं सभी सरकारों से रखता हूँ। सर जी, मेरा एक और सवाल है, बुजुर्गों को इंसाफ मिलना चाहिए, यह आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, मैं जब यहाँ जिला परिषद का, जिला पंचायत का मेंबर था, तो मैं जब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे मतदार संघ में मैं जब घूमता था, कुछ जगह पे ऐसी इंसिडेंट घटनाएं मुझे मिली, ऐसे यहाँ पे कंप्लेंट मेरे पास आई, कुछ माता पिता बुजुर्ग एक टीचर थे, उनका बच्चा उनको संभाल नहीं पाता था, वो भी टीचर
तो मुझे वो बताए कि मेरे परिवार के बाजू में ऐसी घटना है, तो उनके बाद मैंने वो जानकारी की कोशिश की तो मेरी जानकारी मिल नहीं पाई थी। लेकिन जब भी मैं जहाँ से मेरा होम टाउन है, मेरा गांव, वहाँ पे घटना ऐसी हुई, जो टीचर नए नए हुए थे, जिस पिताजी ने, उनके किसान थे, दिन रात दिन मेहनत करके हल चला के उनको बड़ा किया, उनको टीचर बनाया, तो बच्चे ने जब ऐसा उनके माता पिता को वृद्धाश्रम में रखने का काम किया, वो कंप्लेंट मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि निश्चित स्वरूप में भविष्य में इसको कुछ तो करना चाहिए। लेकिन तब मैं उतनी पावर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं मेरे पार्टी के आशीर्वाद से, मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, पंकजा दत्तई मुंडे जी, हमारे निलंगेकर साहब, इनके आशीर्वाद से जब मैं ये प्रेसिडेंट के चेयर पे बैठा, तो मुझे लगा कि मेरी जवाबदारी है, मेरा दायित्व है कि ऐसे लोगों के लिए न्याय के रूप में कुछ तो करना चाहिए। मेरे जिला परिषद के जब जनरल बॉडी की मीटिंग थे, उसमें मैंने ये प्रस्ताव लाया था कि अपने को ऐसा कदम उठाना चाहिए, तो मेरे सभी सहकारियों ने, सभी ने एकजुटी से ये पारित किया और एक अच्छा नियम हमारे जिला परिषद में हमने बनाया। धन्यवाद राहुल जी, आपके इस फैसले की सराहना पूरे महाराष्ट्र समेत देश में हो रही है, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये थे राहुल केंद्रे जी, राहुल जिला लातूर जिला परिषद के अध्यक्ष। इन्होंने कानून पारित किया है, जो सरकारी नौकर अपने माता पिता को हैरेस करते हैं या परेशान करते हो या अपमानित करते हो, उनकी सैलरी का 30% डिडक्ट कर लिया जाएगा। इनके इस फैसले की सराहना पूरे देश समेत महाराष्ट्र में हो रही है।